तुम्हें कहाँ मिलेगी? बता देता हूँ, यूट्यूब पे जाओ, ठीक है, यहाँ पे टाइप करो लर्नी व्यू, ओके। फिर मेंसुरेशन चल रहा है ना, मेंसुरेशन देख लेते हैं, मेंसुरेशन की आ रही है कि नहीं आ रही है, तो यही कहीं आपको मिलेगी। 10th में एक ही लेक्चर है शायद से, एक या दो ही लेक्चर्स हुए हैं, तो एक की तो अभी अपलोड हो गई है, तीन लेक्चर्स हुए हैं अभी अपलोड नहीं हुई होगी, ठीक है। तो ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट थी जिसमें मैंने आपको कंडेंस फॉर्मूला बनाना सिखाया था, तो यहाँ से तुम सीख सकते देख सकते हो, ओके। जिस भी चैप्टर की आपको चाहिए यहाँ पे लर्निंग व्यू की स्पेलिंग याद रख लेना, और जो हमें हमने पढ़ा है, जैसे कि सपोज कीजिए कार्बन इट्स कंपाउंड चाहिए, तो आप कार्बन लिख दीजिएगा यहाँ पे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। और फिर यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा लेक्चर, ये पूरे 9 लेक्चर्स हैं, तो यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा, ओके। पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, सो यू कैन वॉच इट फ्रॉम हियर, ओके। नॉट इट, समझ आया सर। थ्योरी? ओके चलो, तो हम लोग आगे चलते हैं, जो तुम्हारा अभी छूटा होगा ना, तो वो यहाँ से तुम देख लेना, ओके। ओके सर। ओके चलिए, अभी हम लोग यहाँ पर थे, कहाँ पर थे? रेचल वाला एग्जाम्पल हम लोगों ने कल किया था, अब गुलाब जामुन वाला करना है, ओके। तो फटाफट से ये वाला करना शुरू कीजिए और मुझे बताइए इसका क्या जवाब होगा। इसमें आपको से पूछा गया है गुलाब जामुन, तो गुलाब जामुन जो है वो आपको गिवन है किस फॉर्म में? अगर मैं बोलूँ तो गुलाब जामुन आपको गिवन है, ओके। कंटेन शुगर सिरप इज अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, उसके अंदर शुगर सिरप जो है वो 30% है, मतलब अगर उसका 100 ml पूरा का वॉल्यूम है या जो भी है, ठीक है, तो 30 ml उसमें सिरप होगा, 30 ml उसमें सिरप होगा, ठीक है। तो इसी के हिसाब से आपको जाना है, 45 गुलाब जामुन से ईच शेप सिलेंड्रिकल फॉर्म में, उसके दो ऊपर हेमिस्फेरिकल एंड लगे हुए हैं विद 5 cm। तो इसका एक कंडेंस फॉर्मूला हम लोगों ने पहले ही बना चुके हैं कि कंडेंस फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम के लिए, अगर हम लोग के पास कोई ऐसी फिगर हो जिसमें सिलेंडर हो और फिर उसमें ऐसे वो दे रखा हो, ठीक है, तो मतलब हेमिस्फीयर दे रखा हो। तो इसमें आपके लिए आप बना लीजिए, या तो डायरेक्ट मैं फिर से बनवा देता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ दिस बॉडी क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन जो भी है ये, ठीक है, गुलाब जामुन इज इक्वल्स टू होगा आपका, दैट वुड बी, सबसे पहले तो होगा दो हेमिस्फेरिकल बाउल यहाँ पे लगे हुए, इसका मतलब पूरा हेमिस्फेयर हेमिस्फेयर मिला करके पूरा एक हेमिस्फेयर बन जाएगा, स्फेयर बन जाएगा, तो दैट विल बी 4/3 π r³, आर क्यूब प्लस प्लस ये आपका होगा π r² h सिलेंडर का यहाँ से यहाँ तक, तो दैट विल बी π r² h, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा π r², अब r तो दोनों के केस में सेम होगा, h यहाँ पर आ गई, सो मैक्सिमम आप क्या कॉमन ले सकते हैं, π r² कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा आपका 4/3 r+h, ठीक है, 4/3 r। अब किसी कंडीशन में अगर हाइट रेडियस के बराबर दे रखी होती है तो ये भी r में कन्वर्ट हो जाता, लेकिन अभी हाइट रेडियस के बराबर नहीं गिवन है, सो यहाँ पर आपको लेंथ यहाँ पर ईच ऑफ शेप इन द टू हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ ऑफ 5 cm, जिसकी लेंथ जो है वो 5 cm, अच्छा टोटल लेंथ आपको 5 cm गिवन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ है, ठीक है, वो 5 cm है, तो 5 cm का लेंथ हो गई और उसका डायमीटर कितना है, 2.8, तो भाई एक आर इधर से माइनस करना पड़ेगा, आर इधर से माइनस करना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअली आपको एक डायमीटर ही माइनस करना है इसमें से, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला अगर हम लोग निकालें तो h क्या होगी, हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या होगा, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज द टोटल लेंथ माइनस डायमीटर,
ठीक है, टोटल लेंथ मतलब लेंथ ऑफ द गुलाब जामुन माइनस डायमीटर जो होगी वो आपकी हाइट आ जाएगी। समझ आया कैसे आया ये? टोटल लेंथ मतलब 5 सेंटीमीटर होगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेंटीमीटर। तो अब इसकी लेंथ कितनी होगी? तो भाई 5 सेंटीमीटर डायमीटर कितना है इसका? 2.8। तो रेडियस कितना होगा? 1.4। तो 1.4 इधर से माइनस करो, 1.4 इधर से माइनस करो, तो एक्चुअली आपने टोटल लेंथ में से डायमीटर को ही माइनस कर दिया। गॉट इट? गॉट इट? समझ आया? सर तो 2.85 में से 5 सेंटीमीटर में 2.8 माइनस करो कितना आएगा? दैट वुड बी 2.2। तो लेंथ 2.2 है, हाइट मतलब हाइट या लेंथ समझ लीजिए किसकी, सिलेंडर की, आपको 2.2 दे रखा है, 4/3, आर की वैल्यू 1.4 दे रखी है, फटाफट से निकालिए। और अभी आपको यहाँ पर आपसे पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ द गुलाब जामुन, गुलाब जामुन की वॉल्यूम पूछी गई है, मतलब उसके अंदर जो सीरप है वो कितना। तो अभी आपको यहीं पर फिनिश नहीं करना है, मतलब कैलकुलेशन यहीं पर खत्म नहीं करनी है, आप इसको आपसे जो डायरेक्ट पूछा जाए आप उसी को उसी पर फोकस कीजिएगा। तो अभी आपको 45 तो गुलाब जामुन है, तो 45 से आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 30% सीरप है, तो 30% upon 100 इसको ये भी करेंगे आप। तो अगर मैं इसको करता हूँ वहां पर, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे इसको, तो आसानी से इसको कर पाएंगे। मैं कौन दिखाता हूँ आपको, सो चलिए अभी अगर हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं तो कैसे डील करेंगे इसको समझते हैं। ओके तो सबसे पहले हमें हमें को गिवन है कि पाई आर स्क्वायर कॉमन था हमारा, 4/3 आर प्लस एच, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, याद रखिएगा जब भी ऐसी फिगर दे रखी होगी। और यहाँ पर एच जो होगा, वेयर एच इज इक्वल टू टोटल लेंथ माइनस डायमीटर, टोटल लेंथ, टोटल यानी टोटल लेंथ ऑफ द फिगर माइनस डायमीटर, टोटल लेंथ माइनस डायमीटर, ठीक है। सो अब इसको कर लीजिए यहाँ पर आप, तो पाई की वैल्यू एकदम से मत रखिएगा, आर स्क्वायर, ठीक है, मतलब आपको 45 गुलाब जामुन का निकालना है तो 45 गुलाब जामुन के लिए चलिए रख ही दीजिए, 22/7 इनटू आर की वैल्यू आपको 1.4 गिवन है, इनटू 1.4 इनटू 4/3 आर की वैल्यू कितनी है 1.4 फिर से, प्लस एच कितना है आपका, एच इज टोटल हाइट, टोटल टोटल लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर माइनस 2.8 दैट वुड बी 2.2 That would be 2.2. तो 2.2 आपकी आ गई है ये, ठीक है, सो 2.2 आपकी हाइट है किसकी, जो भी सिलेंडर है वो यहाँ से यहाँ तक की उसकी हाइट होगी, ओके, सो दैट वुड बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ओके 2.2। और आपको एक, ये तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आएगा, आपको क्या चाहिए? आपको गुलाब जामुन का वॉल्यूम नहीं चाहिए, आपको 45 ऐसे गुलाब जामुन का वॉल्यूम और उसके साथ साथ सीरप चाहिए। तो सीरप जो है वो 30% है, 30% मतलब इस वॉल्यूम का 30% कितना होगा, 30/100 इनटू दिस नंबर, तो ये आपकी पूरी आंसर आएगा डायरेक्ट। तो इसमें से इस ऐसा करने से क्या फायदा होगा, ऐसा करने से ये फायदा होगा कि आप कहीं से कहीं तक भी कट कर सकते हैं, मतलब आपको अगर ये नंबर दिख रहा है कहीं से, मतलब आसानी हो जाती है जब आप पूरा एक साथ रख देते, तो आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है कि अगर कहीं से मैं कुछ किसी नंबर को कट कर सकता हूं तो इजिली कहीं भी कट कर सकता हूं। तो ये हमें बस ये हमें सॉल्व करके और हमें आंसर निकालना है, जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो वी विल गेट द आंसर। तो हमारे पास आएगा 22/7 इनटू 14 इनटू 14 कर लेता हूं मैं अपॉन 100, ठीक है, और ये 1.4 से 56 हो जाएगा, 5.6/3, तो 5.6/3 प्लस ये हमारे पास हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 6.6/3 इनटू 45 इनटू 3/10। समझ आया? 22/7 इनटू 14 का स्क्वायर मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं कट कर देता हूँ इसको, जितना मुझसे कट हो सकता है उतना कट कीजिए पहले। सो 100 को नहीं छेड़ना है, 10 को नहीं छेड़ना है, जो भी आंसर आएगा वो आप 3 डिजिट बाय डेसिमल लगा दीजिएगा। तो 100 और 10 को छोड़ना नहीं छूते हैं, मतलब मल्टीपल ऑफ 10 को नहीं कट करना, उसको ऐसे ही रहने देना है, ओके। सो यहाँ पर आपका हो जाएगा 7 1 7 2 14, ओके, सो दैट वुड बी 44 इंटू 14/100। अब ये 5.6 और 6.6 मिलके कितना हो जाएगा, दैट वुड बी 5.6 प्लस 6.62 और 6.12, तो यू विल गेट 12.2। सो यू विल गेट 12.2 डिवाइडेड बाय 3, सो इनटू 12.2 डिवाइडेड बाय 3 इनटू 45 इनटू 3/10। देखो अब
अब ये फायदा हुआ ना आपको कि यहाँ से आप इजीली इस 3 को कट कर सकते हैं, क्योंकि 30% तक 3 यहाँ पर बच चुका है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा आप अगर आप इतना ही सॉल्व कर रहे होते तो फिर आपको 3 से हो सकता है कि आप डिवाइड करते फिर दोबारा से, तो एक साथ आप पूरा लिख लीजिए जो आपसे पूछा गया है डायरेक्ट, और फिर कट करने में हेल्प हो जाती है। देखो 3 से 3 डिविजिबल है, इजिली कट गया। अब नीचे बस 7, एक 7 यहाँ पर, ये 7 कट चुका था, सॉरी मैंने वापस फिर से लिख दिया। सो दैट इज 44, किस इन दोनों की मल्टीप्लाई मैंने 22 भी दोबारा लिख दिया। ओके, तो ये हमारा आंसर है, दैट इज 44 इंटू 14 अपॉन 100 इंटू 12.2। ठीक है, तो अभी हमारे पास 1000, तो हमें सिंपल मल्टीप्लाई करनी है और उसके 3 डिजिट पर डेसिमल लगा देना है। तो इस नंबर की हम लोग को इन सब की मल्टीप्लाई करनी है आपस में, और वी नीड टू गेट दी। तो मल्टीप्लाई करना बहुत मुश्किल काम नहीं होता है। देखो मैं तुम्हें सिखाता हूँ मल्टीप्लाई कैसे आसानी से हम लोग कर सकते हैं, जहाँ पे भी इतनी टफ मत करना कैलकुलेशन को। एक डेसिमल हटाने के बाद यहाँ पर भी आप एक डेसिमल हटा लीजिए और नीचे 10 लेके आ जाइए, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 2। सो आपको एक्चुअली में 44 इंटू 14 इंटू 1 2 2 इंटू 45 इंटू सॉरी 45, और जो आंसर आएगा ठीक है वो उसको आपको किससे 100 इंटू 100। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कहीं आपको मल्टीपल मतलब पूरा 10 कट जाए, मतलब एक मल्टीपल ऑफ 5, क्योंकि 10 के फैक्टर क्या होते हैं, 10 के फैक्टर होते हैं 10, इंटू के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 5। तो अगर कहीं ऐसा मिल जाए नंबर की हमारे पास ऊपर 2 से भी कट हो जाएगा और 10 से भी कट हो जाएगा, मतलब पूरा 10 कट हो जाए, ऐसा नहीं कि आधे में 5 पर छोड़ दिया, तो उस कंडीशन पर आप इसको कट कर सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि आप इसको, मैंने बोला कि 10 को और 100 को या मल्टीपल ऑफ 10 को नहीं कट करते ताकि आसान कैलकुलेशन हो जाए, जो क्योंकि हमें हेल्प करता है कि पहले प्रोडक्ट कर लो फिर उतने डिजिट बाय डेसिमल लगा दो। लेकिन दिख रहा है आपको कि यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 2 भी है और 5 भी है, तो जब तक ये मल्टीपल ऑफ 2 से कट रहा है तो काटते जाइए, 5 और 2 दोनों होना चाहिए, यानी पूरा 10 कट जाएगा। यहाँ पर देखोगे तो 9 हो जाएगा ये, और फिर यहाँ पर आपका बचेगा 2, फिर 2 से आप इसको कट कर लीजिए 7 को। किसी को भी कट कर सकते हैं जिसका जो भी मल्टीपल ऑफ 2, अब और कोई नंबर नहीं है ऐसा, क्योंकि अब 5 नहीं बचा जिससे 5 से मल्टीप्लाई हो सके। सो अब हमें सिंपली क्या करना होगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई। अच्छा 4 में 44 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 122 इंटू 9। ठीक है, अब 7 इंटू 9 होता है 63, और 63 फोर जा आप पूरा ही कर सकते हैं। ठीक है, तो 11 से मत करिएगा, 11 से बाद में करिएगा, 11 से करना बड़ा आसान होता है। तो 63 फोर जा आपका 63 इंटू 4, 4 3 जा 12, 1 कैरी 4 6 जा 4 6 जा 24 एंड 25, तो 1 आपका आ जाएगा, दैट वुड बी 252। ओके, अब 252 आपका किसकी प्रोडक्ट आई है, इन तीनों की प्रोडक्ट आई है, और आपका अभी सिर्फ एक ही 10 डिविजिबल है, नीचे 3 डिजिट 10 के बच रहे हैं, यानी जो भी आंसर आएगा उसको आप 3 डिजिट बाय डेसिमल लगाइएगा। सो अभी हमारे पास है 252 इंटू 122 इंटू 11। ठीक है, अब 122 इंटू 11 अगर आप करेंगे तो पहले 122 की 252 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और फिर जो भी आंसर आएगा उसकी 11 से मल्टीप्लाई करनी, ये आसान हो जाएगा। तो 252 when मल्टीप्लाइड बाय किससे करना था 122 से भी बड़ा आसान है, बस इसका डबल करो दो बार, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 504 इंटू 504। ठीक है, इंटू फिर एक बार और यही नंबर 252। ठीक है, फिर 4, फिर 4, फिर 7, फिर 10। ओके, अब ये जो नंबर आया है 11 से इसकी मल्टीप्लाई करनी, तो 11 से मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान होता है, किसी भी नंबर की 11 से मल्टीप्लाई करनी, 30744 इंटू 30744, तो 4 यहाँ बचेगा आपका, फिर 4, फिर आपका आएगा दैट इज 11, 1 कैरी, देन 8, देन 33। तो आपको अब आपका आंसर आया 338144। ठीक है, अपॉन 1000, तो आप सीधा 3 डिजिट बाय डेसिमल लगा दीजिए, तो 3 डिजिट बाय 338.144 या 14 लिख दीजिए। अब आपको चेक करना है पहले कि ये जो आंसर आएगा आपको वो किस यूनिट में आएगा, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली समझ जाना है कि इंपॉर्टेंट होता है यूनिट को वो करना, तो सब सेंटीमीटर में ही गिवन थे, मैंने ये आपको पहले ही चेक करना है कि सेंटीमीटर में कोई यूनिट ऐसी नहीं हो कि हम लोग को गड़बड़ मिल जाए।
ठीक है, तो अभी हमारे पास जो है वो सब सेंटीमीटर में है। तो अब उससे पूछा गया है कि ठीक है, सो ये हमारे पास जो आया है वो सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आया। अब आपको पता है कि उसने गुलाब जामुन के अंदर जो सीरप है वो पूछा है, तो लीटर में भी आप उसको बता सकते हो कि आपको पता है कि आप ऐसे याद रख सकते हो कि 1 सेंटीमीटर छोटा सा होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इतना छोटा, यानी एक जिसका ऐसा क्यूब जिसमें 1 सेंटीमीटर ऐसे हो, 1 सेंटीमीटर ऐसे हो और 1 सेंटीमीटर ऐसे हो, तो ये एक छोटा सा क्यूब बनेगा, बहुत ही छोटा सा। और दैट वुड बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मेनी ml, बताओ कितने ml होगा? सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, देखो डेंसिटी से याद रख सकते हो तुम, ग्राम पर ml होता है डेंसिटी, ग्राम पर ml आपने सुना होगा डेंसिटी, और इसको हम लोग ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी बोलते हैं। तो इसका मतलब 1 ml इज इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, समझ आया? तो दैट वुड बी इतना ml हो जाएगा, तो ठीक है, समझ आया? समझ आया बेटा? सर 1 सेंटीमीटर के मतलब ml कैसे हो गया? ml में भी कन्वर्ट कर सकते हो ना तुम क्यूबिक यूनिट को। सर ml कुछ और यूनिट हो गया, जैसे कि लीटर में आ गया, और इसमें हाँ लीटर का यूनिट है सेंटीमीटर, लीटर में कन्वर्ट कर सकते हो ना, वॉल्यूम की यूनिट लीटर भी होती है, ठीक है, समझ आया? ओके सर, दैट यू कैन आल्सो राइट इट 338.14 ml, ओके, गॉट इट। चलो इसी तरह से अगर अभी मैं बोलता हूं आपसे कि ऐसे में 1 मीटर क्यूब, मेरे पे 1 मीटर क्यूब है, आप सोचो 1 मीटर क्यूब है, 1 मीटर क्यूब यानी 1 मीटर, ऐसे सोचो कि एक टैंक समझ लो, इमेजिन करो 1 मीटर टैंक है, ऐसे 1 मीटर उसकी गहराई है, 1 मीटर उसकी ब्रेथ, 1 मीटर उसकी हाइट है, तो बताओ अप्रोक्सीमेट बताओ उसके अंदर कितने लीटर पानी आ सकता है, बोलो बोलो। सर 1000 सर 1000 आएगा, या फिर आप ऐसे भी कन्वर्ट कर yes, सकते हो कि आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि 1 मीटर, ठीक है, इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। सो बोलो अगर मैं इसका क्यूब करता हूं तो मुझे को इसका भी क्यूब करना पड़ेगा, तो मैं बोल सकता हूँ 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 6, 10 रेज टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। और आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉरी 1000 10 रेज टू द पावर 6 हो गया ना, हाँ ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू इतना होता है। अब आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू जितना भी होगा वो उतने ml के बराबर होगा, तो अगर मैं इसको उससे डिवाइड करूं, मतलब 1000 से डिवाइड करूं, तो यू विल गेट सिंपली लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि दैट वुड बी 10 रेज टू द पावर 6 ml, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू ml भी होता है। इसको लीटर में कन्वर्ट करना हो तो आपको पता है कि ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, अगर आपके पास इतने ml है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए यू नीड टू सिंपली डिवाइडेड बाय 1000, तो 10 रेज टू द पावर 6 व्हेन डिवाइडेड बाय 1000, 10 रेज टू द पावर 3, यू विल गेट 10 रेज टू द पावर 3 लीटर, दैट विल बी 1000 लीटर, समझ आया? तो आप खुद समझ सकते हैं कि 1000 लीटर का टैंक आपका जो होता है उसको अगर आप पानी से भरेंगे तो उसका कम से कम उसका एक मतलब 1 मीटर अगर कोई ऐसे ले लेते हैं, 1 मीटर ऊपर को ले लेते हैं और 1 मीटर उसकी ब्रेथ लेंथ हाइट सब उसको, तो उसमें अप्रोक्सीमेट जिसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर, तो उसमें उसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, दैट वुड बी दी 1000 लीटर, समझ आया? समझ आया? गॉट इट? यस सर। ओके, सो चेक करना है इसका आंसर कितना है जो हमने क्वेश्चन किया है पीछे सीआरटी में, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th कीजिए।
डू क्वेश्चन नंबर फोर. A pen stand is made to wood in the shape of a cuboid with four conical depressions to hold pens. उसके अंदर मतलब इस तरह से conical depressions हैं जिस hold करने के लिए pen को. ठीक है, the dimension of the cuboid आपको given है कि centimeter centimeter सब में दे रखी है. The radius of the depression is 0.5 centimeter. Depth आपको 1.4 दे रखी है. The volume of the wood, entire wood का volume कितना होगा? The volume of cuboid में से अगर आप चार ये conical structure का volume को minus कर दें. देखो मेरी बात समझना, एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जब आपसे बोला जाएगा व्हेन इट इज बीइंग आस्क्ड कि वॉल्यूम आपको पता करना है, तो वॉल्यूम के वक्त आपको डिप्रेशन अगर उसके अंदर है तो डिप्रेशन होने से क्या होता है, डिप्रेशन होने से वॉल्यूम घट जाएगा. मतलब जहां पर ये कैविटी आ गई है वहां पर ये वुड नहीं है तो वॉल्यूम घट जाएगा. ठीक है, लेकिन लेकिन अगर मुझे सरफेस एरिया निकालना होगा तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा. डिप्रेशन करने से सरफेस एरिया बढ़ जाएगा. ओके, तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है. अगर आप सपोज कीजिए एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर के अंदर से अगर आप एक एक कोनिक कोन कोनिकल स्ट्रक्चर को बाहर निकाल लेते हैं तो उसका सरफेस एरिया क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा. मतलब आपको कट सरफेस एरिया प्लस नीचे का बेस प्लस कोन का लेटरल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा. लेकिन अगर मैं वॉल्यूम बोलू तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल डिक्रीज, क्योंकि अब उतनी जगह जो है सॉलिड सिलेंडर नहीं ले रहा जितना पहले ले रहा था. अब यहाँ पर कैविटी हो गई, यहाँ पर खाली जगह है. ओके, तो इट इज नॉट होल्डिंग दैट स्पेस. जाहिर सी बात है वॉल्यूम इज दी, वॉल्यूम क्या होता है, ऑक्यूपेंसी ऑफ मैटर, कितनी जगह में कोई एक सब्सटेंस है. तो अगर मैंने इसमें से कुछ भी मैटर निकाला तो उसका वॉल्यूम खत्म हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा. समझ आया? डू यू अंडरस्टूड? एवरीवन अंडरस्टूड? समझ आया? यस सर. ओके, तो चलिए अभी हम लोग आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर पहले आप कीजिए फटाफट से. पहले तो आप इसमें आप क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग फिर से एक फॉर्मूला बनाते हैं. किसी ने चेक करके मुझे बताया नहीं कि आंसर ठीक था ऊपर वाले का? यस सर, ठीक था. ओके, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और इसी को चेक करते हैं. 15 × 10 × 3.5 लेंथ ब्रेड हाइट दे रखी है वॉल्यूम, और उसमें से माइनस करना है आपको रेडियस को, सॉरी डिप्रेशन को, जिसका रेडियस दे रखा है ना, रेडियस, हाँ ठीक है, और हाइट आपको 1.4 सेंटीमीटर की डिप्रेशन दे रखा है. तो कोन के चार को माइनस करना है. तो चलो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल है, फटाफट से अटेम्प्ट करो. लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट में से जो भी है, ठीक है, इनटू हाइट, ये तो हो गया एक, वो जो हमारे पास ब्रिक है जो भी कोई वुडन पीस है उसका, उसमें से क्या चीज माइनस की गई है, फोर टाइम्स, उसमें से फोर टाइम्स ऑफ क्या चीज माइनस करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन, जो उसके अंदर कोन है उसको वॉल्यूम को माइनस करना है. तो फोर टाइम्स, क्योंकि चार है तो फोर से मल्टीप्लाई करी, और कोन का फॉर्मूला कितना होता है, दैट इज दी पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच दैट इज दी, ये हो गया तुम्हारा. ओके, अब यहाँ पर जो एच है और यहाँ पर जो एच है वो डिफरेंट है, दोनों एच सेम नहीं है, तो हम लोग फॉर्मूले में भी एच को अलग लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि रेडियस को हम लोग कैपिटल एच मान लेते हैं, ताकि कैपिटल आर, दोनों कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कैपिटल आर स्क्वायर इनटू एच. गॉट इट? ये चीज हमेशा याद रखिएगा, जब सेम नहीं होगी तो आपको डिफरेंट बनाना है, अदरवाइज वो मतलब क्रिएट कर सकता है प्रॉब्लम. सो अभी आप एल इंटू बी इंटू एच या इंटू एच ही लिखेंगे यहाँ पर, और ये माइनस करना है आपको 4/3 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर एच. अब आप वैल्यूज पुट कीजिए, आपको आर की जो वैल्यू लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ कितनी गिवन थी आपको, दैट इज आई थिंक लेंथ थी 15 × 10 × 3.5, ये आपको गिवन है, और रेडियस आपको गिवन था 1.4 आई थिंक सो. That is 1.4 is the depth height thi and 0.5 is the radius. Okay. R is equals to 0.5 and depth, yani ki capital H jo tha, that is 1.4 centimeter. Ek baar aur check kar lete hain. Haan, theek hai. Ab is question ko tum karke dikhao fatafat se mujhe. Do everyone do this question please. Sab ke sab mujhe karke dikhaiye ye question. यस सर, मैंने कर लिया उसका आंसर 5.5 5 22.8
522.8. और किसी ने किया बेटा? ट्राई करो सभी. सिंपल कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 15 × 10 × 3.5 / 10 कर लीजिए इसको, ठीक है. माइनस 4/3 × 22/7 × r की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 0.5 × 0.5 / 10 × h की वैल्यू आपको 1.4/10. आसानी हो जाएगी अब करने में इसको सॉल्व. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 7 × 2 = 14, जितना कट सकता है उतना कट कर लीजिए, ठीक है. 5 और 2 के फैक्टर्स हैं. देखो 5 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो पूरा 10 कट जाएगा. तो हम लोग कट कर सकते हैं, 5 × 1 = 9, इसको 11 कर सकते हैं. अब एक और 5 और एक 2 यहाँ पर है, तो एक और 10 कट हो जाएगा आपका, ठीक है. तो ये 5 × 1 = और 5 इसको कट कर लीजिए, ये 2 हो जाएगा. तो जब 5 पूरा 10 आपको दिखे तो उसमें से आपको कैसे कट करना है ये आपको याद रखना चाहिए, कि अगर 5 और 2 के पूरे फैक्टर मिले तो उसको रिमूव कर सकते हैं. अब ये 2 है लेकिन ऊपर अब 5 नहीं बच रहा है, तो इस 10 को अभी हम लोग रहने देते हैं, ठीक है. सो अभी हमारे पास यहाँ से आप इस 10 को कट कर सकते हैं. तो यू विल बी गोइंग टू हैव 15 × 35. अभी आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी, हो सकता है कि हम लोग कॉमन ले सकते हैं ताकि आसान कैलकुलेशन हो जाए. तो अभी आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी है, जब मल्टीप्लाई करने का वक्त आएगा तब आपको मल्टीप्लाई करनी है. कभी अभी मल्टीप्लाई कर दो. 2 × 11 × 2 अब और कुछ नहीं बच रहा, ठीक है. अपॉन 3 × 10 ये आपके पास बच रहा है, ठीक है. हाँ, अब आपके पास कोई चांस नहीं है कि मतलब ना ही तो 5 कॉमन ले सकते हैं ना ही 7 है उस तरफ, तो आप कुछ भी आपके पास नहीं बच रहा है ऑप्शन. तो आप सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे. अगर इसमें 5 होता, यहाँ पर इस तरफ 5 होता, तो यू कैन टेक दी 5 एज कॉमन. अगर इस तरफ 7 होता तो आप 7 भी कॉमन ले सकते थे, ठीक है. और अब कोई ऑप्शन नहीं है तो आप एलसीएम मत लीजिएगा. बेटर ये होगा कि आप 30 एलसीएम मत लीजिएगा. एक काम कीजिएगा कि आप पहले डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है. तो जो आंसर आएगा, जैसे 44 ऊपर आ रहा है, 44 को 30 से डिवाइड कर लीजिए, या 44 को 3 से डिवाइड कर लीजिए. 44 व्हेन डिवाइडेड बाय 3, और जो भी आएगा उसके एक डिजिट बार डेसिमल और लगा दीजिएगा. तो ये यू विल फाइंड दैट 44 3 × 1 = 3, देन 1/4, फिर उसको और डिवाइड कीजिए, तो 4 = 12, फिर आपका 2 बचेगा, ओके. फिर उसके बाद दैट वुड बी पॉइंट लगा लीजिए आप, और 6 × 3 = 18, ओके 20 × 3 = 18 आ जाएगा. सो यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो 4.16. सो दैट इसका जो आंसर आएगा दैट वुड बी 15 × 35 से जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, ठीक है, उसमें से आप ये तो मैंने जो डिवाइड किया है वो 3 से डिवाइड किया, अभी 10 और है. तो सिंपल ये इस नंबर को 3 से डिवाइड करने पर मेरे पास आता है 14.6, लेकिन जब मैं इसको 10 से और डिवाइड करूंगा तो आई विल गेट 1.46, ओके. अब 15 × 35 से मल्टीप्लाई करना कितना आसान है, इसको स्प्लिट कर लीजिए 15 × 5 × 7, ठीक है. अब आपको 15 5 से पता होगा या 7, मतलब किसी एक से कर लीजिए जिसको भी आपका दिल चाहे. तो बड़ा आसान हो जाता है कैलकुलेशन करना सिंपल तरीके से. जितना आप कैलकुलेशन आसान तरीके से करेंगे उतना आपको आसान हो जाएगा. तो 15 7 जो होता है 105 होता है. टेबल आपको याद होनी चाहिए इतना कि 15 7 = 105 की आपको 5 से मल्टीप्लाई करनी है. तो आपको पता है कि 5 की 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट 500, फिर 25 और ऐड कर दीजिए उसमें तो 525 आ जाएगा. तो 525 में से आपको माइनस करना है 1.46, ओके. समझ आया? यस सर. तो इस तरह से आपको ये सवाल करना था.
तो 1.46 माइनस करोगे इसमें से लगभग लगभग आपका आंसर वही आ जाएगा 122.3 करके कुछ आएगा 3.7. Got it? Everyone understood? सबको समझ आया कि किस तरह से कैलकुलेशन करनी है? Yes, sir. आसान तरीके से कैलकुलेशन करनी है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग. अब आप क्वेश्चन कीजिए. चलिए क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट कीजिए. क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क में कीजिएगा अगर नहीं हुआ तो, या फिर क्वेश्चन नंबर 6 ग्राम्स में दे रखा है थोड़ा सा, तो पहले चलो क्वेश्चन नंबर 6 कर लो, ठीक है? फिर इस बाकी के दो क्वेश्चन होमवर्क में करके लिखाइएगा, जिससे नहीं होंगे मैं उसको हेल्प करूंगा नेक्स्ट क्लास में. सो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6 को अटेम्प्ट कीजिए. Done? No, sir. Try कर रहे हो? Yes, sir. Okay, try करो.
स्टार्ट करें, हुआ? सर थोड़ी मदद चाहिए। आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर 22 सेंटीमीटर, मतलब उसकी जो दे रखी है हाइट दे रखी है आप लोग को, बेस डायमीटर आपको 12 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, विच इज सरमाउंटेड ऑफ अनदर सिलेंडर, यानी इसके ऊपर एक और सिलेंडर है। फाइंड द मास, मास देखो आपको जो यहाँ पर गिवन है ना, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से, तो क्यूब मतलब आपको वॉल्यूम निकालना है, याद रखिएगा एक बार, यूनिट के हिसाब से, एरिया नहीं निकालना, ठीक है। अगर वो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग या कुछ और पूछता तो फिर यहाँ पर एरिया दिया होता है, आपको मास पूछा गया है, सो आपको वॉल्यूम निकालना है। तो क्या है कि एक सिलेंडर है ऐसे, उसके ऊपर एक और सिलेंडर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, और उसके हिसाब से आपको बताना है कितना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले वाले सिलेंडर के केस में लोग आ जाते हैं यहाँ पर, चलिए मुझे बताइए पहले वाले की हाइट कितनी, जो नीचे वाला था कैपिटल एच, बताइए 220 सेंटीमीटर ना? यस सर। और 220 सेंटीमीटर क्या मीटर था? सेंटीमीटर सर। और उसके बाद रेडियस डायमीटर कितना था उसका बड़े वाले का? 24 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, तो मैं इसको कैपिटल ले लेता हूँ, कैपिटल आर। ओके कैपिटल आर। फिर उसके बाद आगे 60 सेंटीमीटर हाइट, दूसरे वाले की हाइट है 60 सेंटीमीटर और उसका रेडियस है कि डायमीटर है? रेडियस 8 सेंटीमीटर। रेडियस 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। सो आपसे पूछा गया है कि आप उसका वेट बताइए, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम के बराबर होता है तो कितना उसमें वेट आएगा। आपसे वॉल्यूम तो पूछा नहीं गया, आपसे क्वेश्चन में जो पूछा जाए ना उसका, उस पर फोकस कीजिएगा। आपसे क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा गया है फाइंड द मास नॉट द वॉल्यूम, तो आप डायरेक्टली मास के लिए अप्लाई कीजिएगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम, आपने सारी चीजें सेंटीमीटर में ले रखी है, तो इसलिए आपका आंसर भी, वॉल्यूम भी जो आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो एक जितना भी वॉल्यूम आएगा उसकी अगर आप 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट दी मास इन ग्राम्स, मास आ जाएगा ग्राम्स में, और उसकी मल्टीप्लाई अगर आप और 1000 से डिवाइड कर दे तो किलोग्राम्स में आ जाएगा। तो चलो अभी हम लोग इसको कोशिश करते हैं, बताते हैं। तो सिंपल आपको पता है कि यहाँ पर दो सिलेंडर है, तो एक सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच प्लस इसमें आपको पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, ठीक है, दो वॉल्यूम आपको ऐड करना, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस स्मॉल आर स्क्वायर एच, ये तो वॉल्यूम आया आपका। आपसे वॉल्यूम थोड़ी ना पूछा, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है डायरेक्टली मास, मास, तो मास आपका कितना हो जाएगा, तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम, जो भी वॉल्यूम है इंटू 8 से आप उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 8, तो ये ग्राम्स में आएगा, और उसको 1000 से डिवाइड और कर देंगे आप तो यू विल फाइंड दिस मास इन केजी, तो आपको केजी मिल जाएगा। तो फटाफट से आप इसकी वैल्यूज को पुट करें। जी हमने सबट्रैक्ट क्यों किया? ओह सॉरी, हाँ यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पर प्लस ही होगा। ओके ओके, तो दैट वुड बी पाई, आर की वैल्यू आपको 12 गिवन है, तो 12 का 12 स्क्वायर नहीं करना अभी, मतलब कोई भी, मतलब मल्टीप्लाई नहीं करनी 144, अभी हम लोग मैक्सिमम और भी कॉमन ले सकते हैं, इतना हम लोग ले सकते हैं उतना कॉमन लेंगे, इनटू 220 माइनस उसमें से आपको 8 इनटू 8 इनटू दैट यू कैन टेक द कॉमन एज 60 यहां पर, तो मैक्सिमम आप कितना कॉमन ले सकते हैं, देखो एक तो आप और फिर इसकी आपको 8 अपॉन 1000 से भी मल्टीप्लाई प्लस आएगा। हां प्लस लिख रहा हूं बार-बार, ओके चलो, तो ज्यादा माइनस होता है ना, तो ठीक है, अभी आप क्या मैक्सिमम कॉमन ले सकते हो, तो 10 तो पक्का कॉमन ले सकते हो, फिर आप मतलब 12 कॉमन ले सकते हो, 12 पूरा कॉमन ले लेंगे तो आप इसमें 5 बच जाएगा, ठीक है, तो जो जो मैक्सिमम कॉमन ले सकते हो उसको लिखिए पहले आप, एक तो 12 कॉमन ले सकते हैं पूरा मैक्सिमम, तो यहाँ पर 5 बचेगा, ठीक है। अभी आप और क्या कॉमन ले सकते हैं, अब 8 64 हो गया ना, सो इसमें क्या 8 है, इसमें 4 तो कन्फर्म है, 4 3 12 होता है ना, तो 4 तो कंफर्म है, तो 4 एक 4 भी आप कॉमन ले सकते हैं, अब 4 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा, ठीक है, और यहाँ पर जब 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा,
के पहले लिख लीजिए, तो उसके बाद आपके पास यहाँ पर बच रहा है 4, जब आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर उसकी जगह बचेगा 3, तो 3 एक 12 आप पहले कॉमन ले चुके हैं, इनटू 220 पहले इतना ही लिख लीजिए, प्लस यहाँ पर आपके पास जब 4 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा, इनटू 8 6, ठीक है। अभी भी आप और 2 भी, ये 2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर 110 बचेगा, और 110 में से भी और एक और 2 कॉमन ले लेंगे तो और, क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, सो इसमें मैक्सिमम जितना कॉमन ले सकते हैं आप लीजिए, 4 इंटू 12 इंटू 4 कॉमन लीजिए, पूरा 4, एक 4 तो पहले से ही, 4 और लीजिए, तो जब इसमें से आप 4 कॉमन ले लेंगे तो 3 इंटू कितना बचेगा, दैट वुड बी 55 प्लस इसमें से आप और 4 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, तो 16 है तो 4 ही बचेगा खाली। अब और कॉमन ले सकते हैं, अब इतना ही मैक्सिमम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। क्या आपको ये निकालना है, वॉल्यूम नहीं, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है डायरेक्ट मास, तो अपॉन 1000 कर दीजिए, 82/1000, ठीक है। अब सिंपल क्या करेंगे आप, ये मास की वैल्यू आ गई, मतलब अब ये जो होगा ये तो वॉल्यूम हो गया और ये हो गया आपका मास, वो भी केजी में, केजी में आएगा क्योंकि 1000 से डिवाइड करके केजी हो गया, ओके। अब क्या करेंगे आप, ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 165 में 4 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 169, ठीक है। तो ये ब्रैकेट सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 169, तो आप लिखिए 3.14 इंटू 12 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 8/1000 इंटू 169, ये जो आंसर होगा ये ग्राम्स में होगा और ये सॉरी केजी में होगा और यही टोटल मास होगा। अब इसमें बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है, देखो इसमें कहीं भी मल्टीपल ऑफ 5 तो है नहीं, क्योंकि 1000 के जो फैक्टर होंगे वो कम्प्लीटली 2^m इंटू 5^n की फॉर्म में होंगे, यानी 2 और 5 ही होगा, तो इसमें ऊपर कहीं भी 5 नहीं है, तो इसको 1000 को तो छेड़ना बिल्कुल खराब है, इसको बिल्कुल मत छेड़ो। आपका आंसर डायरेक्ट ग्राम में भी, अगर आप 1000 नहीं लिखते तो आपका जो भी आंसर आएगा ऊपर सॉल्व करने से वो ग्राम्स में भी, वो आंसर ग्राम्स में हो जाएगा, तो इसको बिल्कुल मत छेड़िएगा। अब आपको मल्टीप्लाई करनी है, सिंपल आप मल्टीप्लाई करनी है कितना आंसर आएगा, तो मल्टीप्लाई करने के लिए कैसे आप करेंगे, तो 169 को तो अलग ही रख दीजिए अभी, ठीक है। फिर उसके बाद 4 4 16 एंड 16 8 128, सो 128 की 12 से मल्टीप्लाई कर, 12 से करना ज्यादा आसान होगा, तो मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका देखो, इसको ना 3.14 है ये, ठीक है, ओके चलो कर ही लेते हैं 160, एक बार आप करिए मल्टीप्लाई, इसको करिए मल्टीप्लाई, मैं आया 2 मिनट में, और इसको आप खुद से ट्राई कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए कितना आंसर आ रहा है। पहले आप एक काम कीजिएगा, पहले ये तुम्हारा जो होगा दैट इज दी 128, और 128 की 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर जो आंसर आएगा उसकी 169 से कीजिए, फिर जो आंसर आएगा उसकी 3 से कर दीजिएगा, ठीक है। या और भी कुछ सर, मेरा 20,000 आया है, एग्जैक्टली 20,000, नो सर, सर मेरा 893, कितना सर 893, 893 केजी की, यस सर, उसके बाद पॉइंट कुछ सर, उसके बाद पॉइंट जीरो कुछ ऐसा ही है, ग्राम्स में की केजी में, सर केजी में, ओके सर मेरा 20,000 कैसा आया, ओके 16 8, देखो करने को तो कर सकते हैं आप इसकी मल्टीप्लाई, तुम्हारा 20,000 तो खैर नहीं आएगा, 20,000 आंसर तो खैर यही आएगा 893 कुछ करके, तो अभी हम लोग देख लेते हैं 169 इंटू 128, चलो करो मल्टीप्लाई फटाफट से, 128 इंटू 169, ठीक है, सो इसको आप ले सकते हो 128 169 अपॉन, that would be 8 times 72, 8 2s 16, sorry 8 6s 48, अरे eight 6s 48 48 and 7, that would be 48 and 7 55, 5 carry, 8 1s 8 and 5 13,
ठीक है, उसके बाद कहीं हमारी करनी पड़ी जगह नीचे नीचे उसे राइट पे जा रहा हूँ। कितना था आपका, दैट इज 3.14 इंटू 128 इंटू 169 इंटू, बस यही था शायद से, इंटू 12 भी था भाई, 3.14 इंटू 12 इंटू 169, ओके इंटू 12 अपॉन 1000। तो चलिए अप्रोक्सीमेशन से लेके करते हैं, मान लेते हैं ये 17 है, ठीक है 17 की मल्टीप्लाई जब 128 से करोगे तो कितना आएगा, बोलो जल्दी फटाफट से बोलो, 17 की 128 से कितना कितना आंसर आएगा, मतलब 170 मान लेते हैं इसको, जो भी आंसर आएगा उसके एक डिजिट बाय डेसिमल आएगा, 17 8 से कितना होता है, बोलिए याद है टेबल 17 की, देखो 13 कितना होगा आपका, दैट वुड बी 7 एंड अरे यार दिमाग इतना हो रहा है कि सिंपल सा कैलकुलेशन में भी इतना टाइम लगा, उसके बाद 4 हो गया, फिर 17 वन सा 17 17 एंड 4 21, ठीक है, सो ये आएगा आपका जब आप 128 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसमें से 128 ये लगभग ज्यादा है क्योंकि ये 169 है ना, तो ये 1760 है ना, तो इसमें से 128 सबट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग 169 से एग्जैक्टली मल्टीप्लाई कर जाएगा, सो इसमें से मैं 100 माइनस कर देता हूँ बस, तो ये हो जाएगा 121660 अप्रॉक्स, ठीक है, अभी मेरी इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हुई, इसके बाद मुझे इसकी 36 और मल्टीप्लाई करनी, इसको हम लोग मान लेते हैं 3 और 3 की 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, सो इसमें भी और ज्यादा है थोड़ा सा, तो इसकी हम लोग कितना किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी बेटर कि आप इसकी पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर 18 से कर लीजिए, तो डायरेक्टली हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करना तो मतलब इसका डबल कर देना, इस नंबर का डबल कर दो, इस नंबर का डबल हो जाएगा तुम्हारा, दैट वुड बी 0 12 3 और 2 13 एंड दैट वुड बी 4, ये इसका डबल हो गया, ठीक है समझ आया, तो डबल करने में तो कोई दिक्कत नहीं थी, उसके बाद इसकी 18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर जो आंसर आएगा उसको 1000 से डिवाइड कर जाएगा, तो 18 से करोगे तो 0 18 टू द 90 9 सॉरी 18 टू द 36 क्या कर रहा हूँ मैं, 18 टू द 36 ठीक है, 18 3 जा 54 फिर 5 फिर 18 3 जा 54 एंड 9 69 हो जाएगा, दैट विल बी 5 अगेन कैरी, 18 4 जा 77 9760 kg approximate, इतना ही आंसर आ रहा है, पीछे चेक करना कितना आंसर आ रहा है सर, पीछे तो 892 है, 892 हाँ तो वही गड़बड़ हो गई ना 1.4 की वैल्यू में, सो मैं एक बार इसकी ये सब कैलकुलेशन तो मैंने एक्यूरेट ही करनी पड़ेगी भाई, तो 3.14 की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 128 से और उसकी मल्टीप्लाई करता हूँ 169 से और फिर मैं उसकी मल्टीप्लाई करता हूँ 12 से, तो हाँ 815 यही आंसर आ रहा है भाई, 81815.93 kg, अगर आप इसकी सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट दिस आंसर, ये थोड़ा सा ये रफ में लेके किया गया एक्चुअल में, थोड़ा सा बढ़ा के समझ आया सर, 8.15 है यस सर, 892 ऐसे कैसे हो गया भाई, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है, हम लोग एक काम करते हैं पहले
3.14 की, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो 12 × 12 × 220 यू विल गेट 31680, उसमें से आप 8 × 8 × 60 यू विल गेट 3840, इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो आपको आ जाएगा, प्लस करना है इसमें 3840 में प्लस करना है आपको, सो 31680, सो आपका आंसर आएगा 35520, सो 35520 31680 में आपको 3848 किया, तो 35520 आया। 35520 की आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3.14 से, तो 35520 व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 3.14 तो और भी ज्यादा आ रहा है भाई। तो खैर अप्रोक्सीमेशंस में चलता है उतना, एक बार आप देख लीजिएगा, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। चलो इसको एक बार ही और कर लेते हैं ट्राई, कोई दिक्कत नहीं। मैंने सॉल्व किया था, मेरा आंसर 893 आ रहा है, क्या वो चल सकता है? सही है, तुम्हारा 893 आ रहा है, तो तुमने कैसे सॉल्व किया सर? क्योंकि मैं और आसान हो जाता है 22/7 से। 3.14 की मल्टीप्लाई आप करेंगे, क्या था हमारा जरा बताना, ब्रैकेट में लेके 3 22/7 ही अगर हम लोग ले, सो हमारे पास था 12 × 16 था बाहर, 12 × 16 ये कितना था हमारे पास, दैट इज 12 × 16, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, × 8 से भी तो था, ठीक है, × 8 × 169, 12 × 16 × 8 × 169, ठीक है। तो 7 से तुम इसको इजीली डिवाइड कर सकते हो, 3.14 बहुत एग्जैजरेट कर देता है, तो यहाँ पर आप इसकी इसको डिवाइड कर दीजिए, 7 × 7 × 7 × 2 = 14, बचे कितना आपका 2 और 9, 7 × 7 = 28, एक ही बचा है, लाइक अप्रोक्सीमेट 24 टाइम एग्जैक्टली कट जाएगा इससे, मतलब 168 जो होता है वो एग्जैक्टली इसके बराबर होता है, 2 × 14 बचा कितना 2, तो फिर पॉइंट लगेगा आपका, फिर पॉइंट लगाने के बाद आपका 1 बचेगा, फिर 1 के बाद आप 0 लेके 1 में तो आप पढ़ नहीं सकते 7 × 7, तो अप्रोक्सीमेट 24 ही इसको समझ लीजिए, दैट इज 24 169 को, ओके। अब 160 अब ये आया है, अब मल्टीप्लीकेशन में लेकिन बहुत मैटर करता है जरा जरा सा नंबर भी, सो अब आपके पास है 22 × 12 × 16 × 8 × 24 अब मल्टीप्लाई करनी है भाई, 16 × 128 × 24, सो 128 को मैं 2 टाइम्स करूंगा तो 256, 256 को 4 टाइम्स करूंगा तो दैट विल बी 1024, तो 1024 × 6, ठीक है, इंटू 6 तो 24 × 6 = 144 आ जाएगा। चलो 4 × 24 2 × 6 = 12 × 4 = 0 144 × 6, सो अब इसकी मल्टीप्लाई आपको करनी है
इससे 12 से और फिर इसकी 24 से कर देते हैं, फिर इसके जो आएगा उसको, तो 4 4 16 इसका 4 टाइम्स कितना होगा, डायरेक्टली बताऊं इसका 4 टाइम्स होगा 4 6 24, तो 2400 तो हमारा एक हो गया, 6 से 6000 करेंगे तो 24000 प्लस इसका 4 गुना कितना होगा, दैट वुड बी दी 4 गुना, इसका 4 गुना होगा 4 और 14 56 5 6 56 00 प्लस 16 तो आपके पास आ जाएगा 5 6 5 6 1 6 तो यहाँ पर आएगा 5 6 1 6 इंटू इसका डबल कितना होगा 8 8 2 1 2 इसका डबल कितना होगा 5 6 0 1 6 आएगा। एक बार कर लेना, मैं बता देता हूँ इसको कितना आएगा, लोग कर ही लेते हैं यार, 4 6 16 ज्यादा एक उसमें जा रहा हूँ मैं, 4 6 16 एक 4 5 4 इसका दुगना होगा 8 8 8 8 2 6 15 और फिर इसके नीचे और जाओगे तो कितना आएगा, दैट वुड बी 13 वन कैरी and then there will be 4 2 5 6 7 and then 1 and then it will be 4 1 4 7 3 5 6 1 4 7 3 5 6 1 4 7 3 5 6 6 11 8 1 9 7 3 10 एक बार इसको कर लीजिएगा कैलकुलेशन में, मैं अप्रोक्सीमेशंस में कहीं गड़बड़ हो रही है तो मैं इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग दोबारा से डील कर लेंगे इस क्वेश्चन को, बस कैलकुलेशन का ईजी तरीका आपको मैं बताता हूँ इसमें कैसे होगा, है तो वही तरीका, तरीका तो वही है, उसमें कोई कहीं से चेंज नहीं है, तरीका वही है, लेकिन बस आपको थोड़ा सा ये देखना है कि किस तरह से क्वेश्चन को डील करना आना चाहिए आपको, ओके। सिंपल कैलकुलेशन तो आपको यही करनी है, दैट इज 3 2 2 0 into 2 into 8 8 और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना है, ओके चलो।